अब इसके अलावा एस्टिमेशन ऑफ डिजीज़ रिस्क है, डिजीज़ रिस्क कितनी, मतलब रिस्क कितना है, इसके लिए हम दो करते हैं, रिलेटिव रिस्क करते हैं और इसके अलावा ओड्स रेशियो करते हैं। रिलेटिव रिस्क को हम रिस्क रेशियो भी कहते हैं और ओड्स रेशियो को हम क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला है ना, इसका रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो, इसमें क्या है, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज, मतलब एक्सपोज में कितना इंसिडेंस है, और अमंग नॉन एक्सपोज, इसमें ना हमने जो ऊपर निकाले थे ना केसेस का एक्सपोजर और नॉन मतलब केसेस का और कंट्रोल्स का एक्सपोजर हमने कैसे निकाला था, केसेस का एक्सपोजर निकाला था ए ओवर ए प्लस बी, ठीक है, वो हो गया इंसिडेंस अमंग एक्सपोज ओवर, और इसके अलावा इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज में कंट्रोल्स का एक्सपोजर आ जाएगा, वो हमने कैसे निकाला था, सी सी ओवर सी वाई डी। अब हम ना इंसिडेंस कोहोर्ट्स केस कंट्रोल स्टडी से नहीं निकाल सकते, ठीक है, इसलिए हम इससे रिलेटिव रिस्क नहीं निकाल सकते। रिलेटिव रिस्क निकालने के लिए हम हमें कोहोर्ट स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि उससे इंसिडेंस रेट्स निकल जाते हैं। इसके बाद हमने जब रिलेटिव रिस्क निकालना होता है केस कंट्रोल में, तो उसके लिए हमने लेनी होती है ओड्स रेशियो, ठीक है, ओड्स रेशियो जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट नाम से ही पता चल रहा है, तो क्रॉस अगर हमने करना है, इस सारे डब्बे का क्रॉस करें तो क्या बनेगा, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बाई डी, ए इंटू डी एंड बी इंटू सी। ओड्स रेशियो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन की, ठीक है, मतलब रिस्क फैक्टर्स और उसका इफेक्ट, उस कॉजेज और इफेक्ट के दरमियान में जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है उसका इनडायरेक्ट मेजर है ओड्स रेशियो, और डायरेक्ट मेजर है रिलेटिव रिस्क। अब ये पता चल रहा है क्या, ए ठीक है, ए बाई ए इंटू डी ओवर बी बी इंटू सी, ठीक है, ये है ओड्स रेशियो, ए इंटू डी का प्रोडक्ट ओवर बी ओवर सी, सॉरी बी इंटू सी। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस कंट्रोल केस कंट्रोल स्टडी, तो इसको हम राइज से कर सकते हैं, राइज, तो राइज में चार आर हैं, पहला आर क्या है, रैपिड होते हैं, ठीक है, दूसरा आर क्या है, रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, तीसरा आर क्या है, रिस्क सब्जेक्ट्स को कोई रिस्क नहीं होता, चौथा आर क्या, रेयर डिजीज के लिए सूटेबल है, ठीक है, आई से क्या है, इनएक्सपेंसिव होता है, एस से क्या है, सब्जेक्ट्स फ्यू, थोड़े फ्यू सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट रिक्वायर होते हैं, इसके अलावा ई होते हैं, ई इसमें तीन है, ईजी होते हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, डिफरेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की स्टडी अलो करते हैं, ठीक है, इसके अलावा एथिकल प्रॉब्लम्स मिनिमल होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, तो इसको हम सैक राइप से कर सकते हैं, सैक क्या है, एस क्या है, सिलेक्शन, कंट्रोल ग्रुप की सिलेक्शन डिफ़िकल्ट होती है, ए से क्या है, ए सैक में एस ए सी होता है ना, तो ए सी क्या है, ए एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं और सी क्या है, कॉजेज, मतलब ये कॉजेज और एसोसिएटेड फैक्टर्स के दरमियान में डिस्टिंग्विश सेपरेशन नहीं करता, मतलब उनको पता नहीं चलता कॉजेज, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स और एसोसिएटेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा राइप का होता है ना, आर से क्या है, रिकॉल बायस होता है, ठीक है, पेशेंट पीपल्स को अपने पास बिहेवियर याद आ रहे होते हैं, उसके लिहाज से कर देते हैं, अपनी वो दे रहे होते हैं डाटा, ठीक है, इसमें रिकॉल बायस आ जाता है, राइप, तो आर रिकॉल बायस, आई इंसिडेंस इसमें मैयर नहीं होता, मैंने कहा था इंसिडेंस हम कोहोर्ट स्टडी से करते हैं, पी से क्या है, प्रोफ्लेक्स ऑफ डिजीज़ के लिए सोटेबल नहीं है, इसके अलावा ई से क्या है, थेरेपी की एवेलुएशन के लिए, प्रोफ्लेक्सिस ऑफ डिजीज़ के लिए और एवेलुएशन ऑफ थेरेपी के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कोहोर्ट स्टडी, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी भी कहते हैं, इंसिडेंट स्टडी भी कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं, केस कंट्रोल को हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं, केस कंट्रोल में हम पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब अफेक्ट से कॉज की तरफ देखते हैं, एक अफेक्ट है हमारे पास, उससे हमने कॉज की तरफ जाना है, हमने कहा लंग कैंसर हुआ है, तो हमने उसका देखना है उसका कॉज स्मोकिंग है या नहीं, तो इसका मतलब ये स्टडी केस कंट्रोल है, प्रोस्पेक्टिव है मतलब आगे कोहोर्ट आगे, हमने एक कॉज से अफेक्ट की तरफ जाना है, हमारे पास एक कॉज है स्मोकिंग, हमने देखना है इससे लंग कैंसर होता है या नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं कोहोर्ट स्टडी।